हे दोस्तों, अगर आप 10,000 के रेंज में एक बेस्ट फोन को बाई करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्मार्टफोन को सिलेक्ट किए हैं जिसकी प्राइस 10,000 के आसपास देखने को मिलती है। जैसा कि इस फोन में बेस्ट क्लास कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और बिग बैटरी लाइफ के साथ देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 5 वाले स्मार्टफोन से, जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 10। वहीं स्मार्टफोन की फीचर की बात करें जो कि इस फोन में 6.78 इंच की HD प्लस का IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कैमरे सेटअप की बात करें जो कि इस फोन के बैक में 4 कैमरे सेटअप दिए गए हैं और यहाँ पे 16+2+2 के सेटअप के अलावा एक लो लाइट सेंसर भी देखने को मिलता है। जबकि अगर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें जो कि इस फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है। साथ ही स्मार्टफोन में मिलने वाली चिपसेट की बात करें जो कि इस फोन में MediaTek Helio G70 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि फिंगरप्रिंट सेंसर स्मार्टफोन के रियर साइड पे देखने को मिल जाएगा। वहीं बैटरी और चार्जिंग की बात करें जो कि इस फोन में 5200mAh की बैटरी दी गई है और साथ में 10 वाट की चार्जिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर प्राइस की बात करें जो कि ये स्मार्टफोन 9,500 रुपए के प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, जिसमें 4GB रैम और 64GB के स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 4 वाले स्मार्टफोन, जिसका नाम है टेक्नो पोवा। जैसा कि इस फोन की फीचर की बात करें तो यहाँ पे 6.8 इंच की HD प्लस का एक IPS डिस्प्ले दिया गया है। जबकि अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन के बैक में 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और यहाँ पे 16+2+2 और AI लेंस दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसके अलावा फोन में मिलने वाली चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे MediaTek Helio G80 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इस फोन के रियर साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। जैसा कि इस फोन में 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, इस फोन की प्राइस 10,000 रुपए से स्टार्ट होती है और इस प्राइस में 4GB रैम और 64GB के स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 3 वाले स्मार्टफोन, जिसका नाम है Realme Narzo 20A। जैसा कि इस फोन में आपको 6.5 इंच की HD प्लस का एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और यहाँ पे 12+2+2 के सेटअप दिया गया है। जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में मिलने वाली चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि इस फोन के पिछले हिस्से पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे 5000mAh की बैटरी दी गई है और साथ में 10 वाट की चार्जिंग का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस फोन की अगर प्राइस की बात करें जो कि 8,500 रुपए से स्टार्ट होती है और इस प्राइस में 3GB रैम और 32GB के स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है। जबकि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो इसकी प्राइस 9,500 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 2 वाले स्मार्टफोन, जिसका नाम है पोको M2। जैसा कि इस फोन की फीचर की बात करें तो यहाँ पे 6.53 इंच की एक फुल HD प्लस का IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनसे पहले जितने भी स्मार्टफोन थे उसमें HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि पोको M2 फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा अगर कैमरे सेटअप की बात करें तो इस फोन के बैक में 4 कैमरा सेटअप दिया गया है और यहाँ पे 13+8+5+2 के सेटअप देखने को मिलता है। जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा फोन में मिलने वाली चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे MediaTek Helio G80 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर स्मार्टफोन के पिछले हिस्से पे देखने को मिलता है। वहीं बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 10 वाट की चार्जिंग के साथ आता है। दोस्तों, अगर प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन 10,000 रुपए से स्टार्ट होती है और इस प्राइस में 6GB रैम और 64GB के स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि इससे पहले जितने भी स्मार्टफोन थे उनमें 4GB रैम और 64GB के स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि पोको M2 रैम वेरिएंट के मामले में ज्यादा बेटर साबित होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 1 वाले स्मार्टफोन, जिसका नाम है Redmi 9 Power। जैसा कि इस फोन की फीचर की बात करें तो यहाँ पे 6.53 इंच की फुल HD प्लस का एक IPS डिस्प्ले दिया गया है। जबकि अगर कैमरे सेटअप की बात करें तो इस फोन के बैक में 4 कैमरा सेटअप दिया गया है और यहाँ पे 48+8+2+2 के सेटअप देखने को मिलता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर फोन में मिलने वाली चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, साथ में UFS 2.1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि स्मार्टफोन के साइड माउंटेड पे देखने को मिलता है। साथ ही बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इस फोन में 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। दोस्तों, इस
फोन की प्राइस की बात करें जो कि 11,000 रुपए से स्टार्ट होती है और इस प्राइस में 4GB रैम और 64GB के स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप चाहे तो इस फोन को ऑफर के तहत 10,000 रुपए के प्राइस रेंज में बाय कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।